पिछले कुछ एपिसोड्स में हमारे क्वार्टर फाइनलिस्ट ने सेमीफाइनल में जगह बनाने के लिए अपनी जान लगा दी और फिर नौ क्वार्टर फाइनलिस्ट की कड़ी मेहनत ने अपना रंग दिखाया और वो बन गए हमारे सेमीफाइनलिस्ट। लेकिन इस खुशी के साथ एक बहुत बड़ी चुनौती उनका इंतजार कर रही है, वो ये है कि अब हर सेमीफाइनलिस्ट को खतरा होगा एक चैलेंजर से। तो इस जंग में सेमीफाइनलिस्ट अपने चैलेंजर को हरा कर फाइनल्स में अपनी जगह बनाएंगे या चैलेंजर एक ही दाव में बाजी मार जाएंगे। जानने के लिए शुरू करते हैं एंटरटेनमेंट का डेली डोज ब्रुकबान रेड लेवल प्रेजेंट्स एंटरटेनमेंट के लिए कुछ भी करेगा पावर्ड बाय OLX.in। और एपिसोड खत्म होने पर आज के सभी विनर्स में से चुना जाएगा सिर्फ एक फाइनलिस्ट, जिसे मिलेंगे ₹1,00,000 और OLX.in की तरफ से एक स्मार्टफोन जिसमें OLX का ऐप ऑलरेडी डाउनलोडेड होगा, जिससे आप अपने सेलफोन को बना सकते हैं सेलफोन। और वो फाइनलिस्ट ग्रैंड फिनाले में आखिरी जंग लड़ेगा मेगा एंटरटेनर के खिताब की, ₹10,00,000 और OLX.in की तरफ से एक स्मार्टफोन और उस चमचमाती ट्रॉफी के लिए। और साथ ही साथ हमारे मेगा एंटरटेनर की जिंदगी में आएगी रफ्तार, क्योंकि उसे मिलेगी होंडा की तरफ से एक CB ट्रिगर मोटरसाइकिल, जिससे उनकी शान और कई गुना बढ़ जाएगी। तो अनटेम योरसेल्फ बिकॉज होंडा इज होंडा। एंटरटेनमेंट के लिए कुछ भी करेगा कि इस पहले सेमीफाइनल में हमारे साथ होंगे एंटरटेनमेंट फिल्म के दो एंटरटेनर्स, सुपरस्टार अक्षय कुमार और तमन्ना भाटिया। जो एंटरटेनमेंट के लिए कुछ भी करेगा, हमें तो बहुत मजा आया आपकी एंट्री के साथ और ये भी मजा आया कि आप दोनों आज हमारे साथ एपिसोड में रहने वाले हैं। आपको कैसा लग रहा है यहाँ पे आके? जी बहुत अच्छा लगा इधर आके। पहले भी मैं आ चुका हूँ एंटरटेनमेंट के लिए कुछ भी करेगा, बहुत पहले की बात कर रहा हूँ जी। और ये एक कमाल का कोइंसिडेंट है कि मेरी फिल्म एंटरटेनमेंट, जिसका नाम एंटरटेनमेंट है, और आपके शो का नाम एंटरटेनमेंट के लिए कुछ भी करेगा। तो यहाँ तो आना बनता है और कहीं जाऊँ ना जाऊँ लेकिन यहाँ तो आना बनता ही है। सर इस पे तो बनता है, अक्षय कुमार में पहले बनता है। खून पसीना बहाकर, वाह, खून पसीना बहाकर बना है ये स्टार, वाह वाह। लेकिन आज भी कहता है मंजिल है वेरी फार। मेहनत का आज भी इसके सर पे चढ़ा हुआ है बुखार। सबका प्यारा मेरी जान, द वन एंड ओनली खिलाड़ी अक्षय कुमार। अच्छा अक्षय सर, आप और तमन्ना तो हैं, बाकी कास्ट के बारे में कुछ बताइए कि। हाँ इसके अंदर कृष्णा साहब भी हैं। कृष्णा साहब ने बहुत अच्छा काम किया है। मैं चाहूंगा कृष्णा कि आप अपने डायलॉग्स जिस हिसाब से लिखे गए हैं वो जरा आप अगर कुछ बोल सकते हैं। इट्स अ वेरी फनी लाइन। अगर दिया मिर्जा भी लेके ढूंढेंगे ना तो ऐसा अवतार गिल पूरे रितेश देशमुख में नहीं मिलेगा। मैं चल रहा हूँ, मुझे बोलता है कहाँ चले सोनाक्षी सिन्हा तान के। तो आप लोग प्लीज बैठिए, शो के मजे लीजिए। अक्षय, इससे पहले कि हम परफॉर्मेंस शुरू करें, हम आपको किसी से मिलवाना चाहते हैं। आप मिलना चाहेंगे? आ जाओ भाई, इधर हो भैया।
आपको पता है अक्षय, इसका नाम ना स्टॉक मार्केट. स्टॉक मार्केट क्यों? अरे सर, आप जानते हैं, जब कबूतर का नाम मसकली हो सकता है, जमीन पर रह के घोड़े का नाम बादल हो सकता है, आदमी का नाम महिला जयवर्धनी हो सकता है, ये तो कुछ भी नहीं है. हमारी फिल्म में कुत्ते का नाम एंटरटेनमेंट हो सकता है, तो इसका नाम स्टॉक मार्केट क्यों नहीं हो सकता? लेकिन इनका नाम स्टॉक मार्केट क्यों है? मतलब क्या है कि जब इनका ग्रुप एक्ट करता है ना, तो वो कभी स्टॉक मार्केट की तरह ऊपर जाता है, कभी नीचे आता है. बहुत उछल कूद करते हैं ये लोग. आज क्या करने वाले हो? स्टॉक मार्केट आज नीचे नहीं, ऊपर ही रहने वाली है. ऊपर ही रहेगी? इतना सारा कॉन्फिडेंस. सो प्रेजेंटिंग फैब ग्रुप फ्रॉम सिरसा हरियाणा. के पहले सेमीफाइनलिस्ट फैब ग्रुप. यार तुमने हमारा सीजन शुरू किया, फिर क्वार्टर फाइनल्स की दौड़ शुरू की, और अब फाइनल्स की दौड़ में भी तुम फर्स्ट परफॉर्म कर रहे हो. क्या बात है यार. मैम अब तो हमें आदत हो गई है फाइनल्स शुरुआत करने, शो की शुरुआत करने की. आपको पता है ना हमारा आज गेस्ट कौन है? बिल्कुल, जो खुद इतने अच्छे जिमनास्ट है और उनकी टेक्निक मतलब मानी गई है, तो उनके सामने तुम ये सब बोल रहे हो. सर का देख के हम इंस्पायर हुए. अच्छा तो हमें ये बताइए कि बॉयज आर बेटर या गर्ल्स आर बेटर? बॉयज आर बेटर. अच्छा, लेकिन यहाँ कोई है जिन्हें लगता है कि गर्ल्स ज्यादा बेटर हैं, और वो हैं आपके चैलेंजर्स. सो प्रेजेंटिंग दिल्ली की कुड़ियां, जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए फैब ग्रुप के चैलेंजर फताका कुड़ी फ्रॉम दिल्ली. मैं आपको बता दूं कि हमारा जो फैब ग्रुप है, इन लोगों ने कमाल किया है पूरे सीजन में, और फारा मैम के बहुत फेवरेट हैं. आपको लगता है कि इनको मतलब कड़ा टक्कर दे पाएंगे आप लोग? एकदम फुल ऑन चैलेंज है बॉस. फुल ऑन? फुल ऑन. चलो वो तो बताएंगे कि कौन फुल किस पे होता है, और वैसे भी लड़की है क्या हमारा सामने करेंगे जब लड़के ही नहीं. ये बताइए कि आप दोनों में से आज पहले कौन एंटरटेन करेगा? लड़की है ऑफ कोर्स, लेडीज फर्स्ट. लेडीज वो जमाने गए, अभी हम बोलते हैं बॉयज फर्स्ट. चल परफॉर्म कर. सो लड़कियां प्लीज टेक योर सीट. चैलेंज शुरू किया जाए.
पटाखा कुड़ी कैसा लगा? बंद हुई कि नहीं हुई बताइए हमें। ठीक था। अच्छा। अभी हमारी बारी भी आने दीजिए, फिर बोलेंगे। आप लोग क्या कहते हो फैब ग्रुप? चलो देखते हैं, वो तो आप स्टेज पर तो आइए, देख लेते हैं आप पे भी क्या कमाल करती हैं आप लोग। चलो एक काम करते हैं, इनको अभी बुला लेते हैं स्टेज पर। पटाखा कुड़ीज रेडी, चैलेंज शुरू किया जाए। इससे पहले कि हम जजेस से कमेंट्स लें, अक्षय, ये गर्ल्स आपसे कुछ कहना चाहती हैं। बोलो बोलो। थोड़ा सा डांस हो जाए प्लीज। इससे पहले कि हम हमारे जजेस से कमेंट सुने, फैब ग्रुप प्लीज आप लोग स्टेज पर आइए। सो जजेस क्या कहना चाहेंगे आप फैब ग्रुप और हमारी पटाखा कुड़ीज के बारे में? क्वीन खान, आई थिंक डेफिनेटली गर्ल्स का प्रेजेंटेशन, उनका पोस्चर, उनका द एंटायर पैकेजिंग जो था वो बहुत बहुत अच्छा था। लेकिन फैब ग्रुप ने ऐसी ऐसी चीजें की जो आई स्वेयर मैंने कोई सर्कस में भी नहीं देखी है। तमन्ना, पहली बात तो मैं ये कहना चाहूँगी कि एंटरटेनमेंट के लिए कुछ भी करेगा, दिस शो शुड बी कॉन्ग्रेचुलेटेड फॉर एनकरेजिंग सच टैलेंट। फैबुलस, बोथ ऑफ यू, बोथ ऑफ द ग्रुप्स। थैंक यू मैम।
अनु जी, I would say के पटाखे गोड़ी आपने बहुत अच्छा किया, मगर आपका स्टॉक मार्केट पर जो लड़कों ने डिपेंड किया है ना, वो तो हद था। तो मैं अपने अंदाज में कहना चाहता हूँ, दोनों का एक्ट था चंगा, दोनों ने यहाँ मचाया दंगा। Don't forget, they come from the country जिस देश में बहती है गंगा। कमेंट्स हो गए, जजेस किसी फाइनलिस्ट की रेस में बने रहने का मौका देंगे, अभी पता चल जाएगा। जजेस, क्या है आपका फैसला? आई थिंक जो फाइनल्स की दौड़ में जो ग्रुप भागेगी, उस ग्रुप का नाम है द वन एंड ओनली की रेस में है। और लेकिन आप फाइनलिस्ट बनेंगे या नहीं ये हमें पता चलेगा थोड़ी देर बाद। सो ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू पटाखा कुड़ी, आप लोगों ने भी काफी पटाखे बोले। भक्त जनों, ये उस वक्त की बात है जब महानायक रजनीकांत का सामना हुआ महानर्तक और महागायक माइकल जैक्सन से। चैलेंजर मदुराई के सुपर बैलेंसर अशोक एज रजनी। अशोक, yes. अशोक निश्चल चैलेंजर बॉस, डर लग रहा है आपको? नो। आर यू श्योर? यस। हमारे चैलेंजर्स बड़े स्ट्रॉन्ग हैं आज। आई नो दैट। यू नो दैट अशोक? यस। yes. What do you think? Hara doge? I know him well. Both from Bengaluru? No, I am from Tamil Nadu. Tamil Nadu. Yes. So, chaliye sabse pehle ye decide karte hain ki in dono mein se kaun pehle perform karega. To Tamanna, kya kehte hain, toss kare? Bilkul. Can you please come here on?
निश्चल आज आपने हम सबको चौंका दिया, मतलब यू आर ब्रिलियंट अशोक. बड़ी बात. नाउ व्हाट डू यू हैव टू से? आई होप आई विल डू बेटर देन हिम. Judges, what do you want to say? मतलब जुड़वे आपने बताया भी नहीं. ये तो स्पेशल इफेक्ट्स निकले यार यहाँ से. अशोक कौन है? और आप? आनंद मन. आनंद 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 एंड अशोक सुपर्ब. यू हैव अ एडवांटेज जो निश्चल के पास नहीं है कि आप दो हो और आइडेंटिकल डिटो सेम दो हो. सो यू ऑल आर यूजिंग दैट टू योर एडवांटेज वेरी वेल. थैंक यू. निश्चल आपको अशोक का एक्ट कैसा लगा? इट वॉज रियली अमेजिंग, रियली गुड. आपसे बेहतर? आई थिंक सिमिलर टू मी, बट इट वॉज एट द सेम लेवल आई कैन सी. इससे पहले अनु जी अपने कमेंट्स दें. निश्चल प्लीज कम ऑन स्टेज. अनु जी आई वॉन्ट अक्षय टू रिएक्ट टू. अक्षय कैसा लगा दोनों के परफॉर्मेंस? एक्चुअली मैं यही सोच रहा था दोनों में बहुत डिफिकल्ट है कि दोनों ने कमाल की परफॉर्मेंस दी. एक का चाकू मुंह के अंदर रख के इतना सारी चीज़ें बैलेंस करना जो कि बहुत ही इम्पॉसिबल टास्क है, और जो इन दो कपल ने बताया तो इनका भी अलग, बहुत ही अलग हिसाब से था जिस हिसाब से ये कर रहे थे. इट इज़ गोइंग टू बी वेरी डिफिकल्ट. आई पिटी दीज जजेस हियर. How they are going to decide, it's going to be unbelievably a very difficult task for them. Thank you, sir. Anu ji, aapne kuch kaha nahi sir, aise I would say that to be very honest, aap log do hain, wo ek hai. You know, he's only one. For him to do those acts, very very difficult, Nishchal. And aapka bhi, to apne andaaz mein to kehna hi padta hai. Bilkul. Dono ka badhega bank balance, ye hamara vaada hai. Dono ke andar kala ka beech bahut hi zyada hai. अपनी कला का ये भी दादा है और वो भी दादा है. बोलो क्वीन खान. निश्चल आई जस्ट फेल्ट कि आज आप बहुत ज्यादा टाइम ले रहे थे. आई नो दैट इट इज डिफिकल्ट टू अंडे पे अंडा बैलेंस करना, बट समटाइम्स इन अ शो लाइक दिस फिर आप यू शुड लीव इट एंड गो अहेड विद समथिंग एल्स. आई थिंक एज अ एंटरटेनिंग एक्ट आई थिंक अशोक एंड आनंद का एक्ट ज्यादा एंटरटेनिंग था बिकॉज वो बहुत फास्ट फास्ट क्विक क्विक था. But as where a skill goes, we have to debate because your skills are superb, yeah. और अब बारी है ये जानने की कि इन दोनों में से कौन होगा फाइनलिस्ट की दौड़ में. I think Tamanna should announce. इस चैलेंज के विजेता है निश्चल. निश्चल कंग्रेचुलेशंस, आप फाइनलिस्ट की दौड़ में हैं. एंड थैंक यू वेरी मच अशोक एंड आनंद. मोना. हाँ मोना, तुम्हें पता है कि हर इंसान के अंदर एक आग होती है? हाँ हाँ मुझे बिल्कुल पता है. जैसे अनु जी के अंदर शेरों की आग है जो किसी के बुझाए नहीं बुझती. बिल्कुल बिल्कुल. और फारा मैम के अंदर भी एक आग लगी हुई है, वो गुस्से की आग अनु जी के शेर सुन सुन के. हाँ. वो अनु जी को कभी भी भस्म कर सकती है. और अक्षय कुमार के अंदर एंटरटेनमेंट की आग, और तमन्ना के अंदर खूबसूरती की आग.
चूरन खाओ लवन भास्कर का हा? और मैं बुलाती हूँ हमारे अगले एंटरटेनर को सुप्रेजेंटिंग रवि रमेश फ्रॉम तेलंगाना चेन्नई. आपको ऐसा लगता है कि आपको कोई टक्कर दे सकता है? कोई भी नहीं लगा सकते, कोई भी नहीं लगा सकते. क्या इतना ओवर कॉन्फिडेंस? और तो चलिए देखते हैं कि इनका कॉन्फिडेंस है या ओवर कॉन्फिडेंस है. तो प्रेजेंटिंग रवि रमेश के चैलेंजर विशाल देसाई एंड जेबा फ्रॉम पुणे. Deva, you know that Ravi Ramesh are fantastic? Sir, they are really fantastic. आपको लगता है आप जीत जाएंगे आज? हमको भी देख लीजिए. Fantastic एक शब्द है और एक होता है super fantastic. Wow, so we are looking forward to this act. दोनों में से पहले कौन परफॉर्म करेगा? अक्षय सर, आप ही बता दीजिए इस बार. रवि रमेश साहब, आप खुद ही कर लीजिए. ठीक है, रवि रमेश से शुरुआत करते हैं. चैलेंज शुरू किया जाए. देवा, विशाल, क्या कहेंगे आप इनकी धमाकेदार आग लगा देने वाली परफॉर्मेंस के बारे में? आप लोग कहते हैं आग लगा देंगे, आग लगा देंगे, और हम कहते हैं
आप आग लगाइए, हम उस पर अपनी रोटियां सेकेंगे। अच्छा, क्या आपके जोश की दाद देते हैं। चलो ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हैं, आप लोगों की परफॉर्मेंस देखी जाए। रवि एंड रमेश, आ जाइए प्लीज। तो आपने इन दोनों का परफॉर्मेंस देखा? अच्छा है, लेकिन और इंटरटेनमेंट के लिए कुछ भी करेगा, लेकिन थोड़ा चाहिए यार। तो जजेस आप क्या कहेंगे इनकी परफॉर्मेंस के बारे में? विशाल एंड जेबा, आई थिंक टू बी ऑनेस्ट, अगर हमने आपका एक्ट रवि रमेश से पहले देखा होता, आई थिंक वी वुड हैव बीन लिटिल मोर इम्प्रेस्ड, क्योंकि आपका एक्ट वॉज फॉलोइंग देयर्स विच वॉज सो माइंड ब्लोइंग। एंड जैसे तमन्ना और मैं डिस्कस कर रहे थे, वो दोनों इतना एंजॉय करके अपना एक्ट कर रहे थे, वो खुद इतना एंजॉय कर रहे थे दैट वी ऑल वर एंजॉइंग अलॉन्ग विद देम। तो उस के बाद व्हेन यू फॉलो अप विद दैट एक्ट, आई थिंक थोड़ा एंटरटेनमेंट वैल्यू, एंड यू ऑल बोथ वर लुकिंग सो सीरियस के दैट द ऑडियंस कुडंट बी इन्वॉल्व इन द एक्ट एज मच जितना हमने उनके एक्ट में इन्वॉल्वमेंट हमारी थी। तमन्ना, इट वॉज माइंड ब्लोइंग एक्चुअली। फायर एक ऐसी चीज है जैसे नॉर्मली लोग डरते हैं, लेकिन इनमें इतना मजा था, इतना आसान लग रहा था ये एक्ट कि बहुत मजा आया इनको। वो अपने से जो आग निकालते हैं वो तमन्ना को सीखना है। हाँ हाँ, तमन्ना हो जाए। खिलाड़ी कुमार इज गोइंग टू डू अ स्टंट एक्ट। अनु जी, हम चाहेंगे कि आप हमें एंटरटेन कीजिए, कोई गाना वाना हो जाए। ठीक है, आप जो बोले हम तो तैयार हैं, हम डरते नहीं हैं, जो बोलो हम करने को तैयार हैं। क्या बोलती जनता?
तो जजेस रिजल्ट का वक्त है, हमें बताइए प्लीज कि इन दोनों में से कौन फाइनलिस्ट की दौड़ में है। आई थिंक मोना और कृष्णा कीपिंग इट शॉर्ट, फिनाले की दौड़ में जो एक्ट आ रहा है, रवि एंड रमेश। यानी रवि और रमेश आप फाइनल्स की दौड़ में बने हुए हैं, जोरदार तालियां इनके लिए। थैंक यू विशाल, थैंक यू विशाल। अब वो समय आ गया है जब हमें मिलेगा अपना पहला फाइनलिस्ट। सो कौन है वो, जानने के लिए देखते हैं आज के सभी चैलेंजेस के विनर्स की एक झलक। ग्रुप रवि रमेश और निश्चल, आज आप तीनों में से किसी एक की किस्मत बदल जाएगी क्योंकि वो बनेगा हमारा पहला फाइनलिस्ट और एंटरटेनर ऑफ द डे। तो जजेस ओवर टू यू। देखिए टुडे जो आप लोग ने परफॉर्मेंस दी है, आप लोग सब जानते हो कि चैलेंज राउंड था ये और आपके सामने बहुत जबरदस्त चैलेंजेस आए। पटाखा गुड़ी ने भी बहुत अच्छा आपको चैलेंज दिया, आपको तारीफ मिली, आप यहाँ तक पहुंचे। रवि रमेश यू हैड विशाल एंड जेबा इन फ्रंट ऑफ यू। निश्चल आप भी जानते हो कि आपका परफॉर्मेंस के सामने वो दोनों भाई लोग ने बहुत जबरदस्त किया। पहला जो फाइनलिस्ट होगा उसका नाम लेना, उसके बारे में बोलना इतना आसान नहीं था और हमने चुना है फरा। आई थिंक हमारे दो मेहमान आए हैं अक्षय एंड तमन्ना, सो आई थिंक इट्स जस्ट राइट कि वो आए स्टेज पर और अनाउंस करें क्योंकि हमारा पहला फाइनलिस्ट इज अ बिग डील। यस, सो अक्षय कैन यू डू द ऑनर्स एंड तो चलिए ये काम मैं मेरी हीरोइन तमन्ना जी को देता हूं। तमन्ना जी यू आर गोइंग टू अनाउंस पहला फाइनलिस्ट है। थैंक यू अक्षय, थैंक यू तमन्ना हमारे शो पे आने के लिए। फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल, क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज़।